अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक खैरियत से होंगे सारे। और जो लोग इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं उनका शुक्रिया, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। माने विश कितना प्यारा करे ना सभी चाची को दी। दिखाओ, सुनो इधर तो इधर तो सुनो आओ, इधर तो आओ। सुनो तो हाँ जी नवा, बर्थडे है नवा, विश कर ले, विश करे नवा। हैप्पी वाओ भैया, विश करे नवा ने। हाँ वाओ भैया, बर्थडे विश करे नवा ने। बोल दिया नुमानी अपनी जबान में। वीडियो में अभी खाना आने वाला है, वीडियो में शॉर्ट्स में बनाओ। शॉर्ट्स बनाऊंगी, वो आखिर में हाँ बनाऊंगी। हाँ ओके बाय। हाँ जी, तो इसका सही नहीं हो रहा। और ये मेरा बेटा था और मेरे हस्बैंड थे, और हमारी फ्रेंड, मेरी हस्बैंड की फ्रेंड, मतलब उनकी, हमारे भाई हैं, उनकी बर्थडे है, तो उनको विश कर रहे थे मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो बहुत प्यारा विश किया, अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा तो यस बताइएगा। मेरी बेटी की बर्थडे विश करना आपको समझ आया कि नहीं? और चलिए जी, आज की वीडियो ग्रॉसरी हॉल वीडियो है, और Let me close the window. Yes, आज की वीडियो बहुत बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है मुझे जगह जगह से, तो क्योंकि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और चीज़ें भी, मतलब किचन बहुत बिखरा हुआ है, ये वाला साइड बहुत साफ आ रहा है, और ये किचन बहुत पूरा साफ तो क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये पूरा सुबह से हो रहा है, तो अभी तक पूरा मैंने गोली नहीं ली है जो माइग्रेन की होती है। मैं सोच रही हूँ, अगर खाना खाने के बाद भी सही नहीं हुआ, ये भूख वाला नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं टैबलेट वगैरह ना लूँ, क्योंकि मैं फ़ौरन टैबलेट ले रही हूँ, मेरी आदत है बहुत पुरानी। तो खैर, इस बात को छोड़ते हुए हम बताते हैं, मतलब आज हम गए नेस्टो, नेस्टो ही जाते हैं हमेशा ग्रॉसरी करने। तो वापसी में ये था, एक तो ऑफिस बंद करने के बाद, क्लोज होने के बाद, काम वाम सारा कुछ, सब कुछ खत्म हो जाता है सामान का, तब तभी हम ऑफिस के बाद ही घर से, मतलब नेस्टो या और कहीं खाना पीना करना, कोई भी काम हो तब हम करते हैं ग्रॉसरी वगैरह। क्योंकि छुट्टी वाला दिन नहीं था इस वजह से ऑफिस बंद करने के बाद, तो फिर वो 10, 10:30, 11, फिर 12 बजे बंद हो जाता है, तो फिर हमने सोचा खाना भी बाहर ही खा लेंगे। हालांकि मैंने चिकन निकाल के रखी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जाएंगे और वापस जल्दी आएंगे, तो अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, इस तरह तैयार होने होने में टाइम लग गया। तो घर आते आते 11:30 वहाँ गाड़ी में हो गए थे, तो फिर हमने सोचा बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी नया खुला जवान में, तो वो ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी लाइटें बंद हो गई थी, तो हमने कॉल किया तो उन्होंने कहा हाँ जी बंद हो गए हैं। फिर हमने सोचा जमजम से ऑर्डर कर देते हैं कुछ, घर चल के खाएंगे, कहीं रुक नहीं सकते अब हम। तो खाना आ रहा है, और जो चिकन पड़ी हुई थी उसका भी मैं सारा काम किचन समेट के सब करके और खाना वाना खा के उसके बाद मैं खाना बना के फिर सोऊंगी। यस, क्योंकि नोआ ने मुझे सोने तो देना नहीं है, ठीक है, वो सुबह कर देता है, तो हाँ ये करेंगे। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ग्रॉसरी हॉल वीडियो नेस्टो। और हाँ, मुझे ये बताना था कि नेस्टो के पास ही, अब मैं आपको कैसे बताऊं, कोऑपरेटिव करके है एक बिल्डिंग, उसके नीचे जो, बस आप समझ रहे होंगे, तो वहाँ वाला जो नेस्टो है उसकी, जहाँ वो लगती थी ना कोरोना की, क्या बोलते हैं उसको यार, कोविड की वैक्सीन वगैरह, हाँ उस, वो वाला जो नेस्टो है ना, अब पता नहीं मुझे और कोई नेस्टो के पास ये सारा कुछ सेटअप था कि नहीं, ये वाले नेस्टो के पास तो है। तो वहाँ पर ना मेला काइंड ऑफ कुछ लगा है, तो वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि अलहीरा स्ट्रीट जो कॉर्नर साइड पर मेला लगता था, और जहाँ स्टॉल्स लगते थे, जहाँ से मैंने अबाया लिए, 30 धर्म के, 35 धर्म के अबाया, इतने प्यारे कवर, अब अलग है उनका, और अंदर लाइनिंग जो अबाया की होती है वो अलग है, वो अलग से भी 15 धर्म के आपको मिल सकती है, डिफरेंट ले लो, फिर ब्लैक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पहने इस तरह भी, और स्कार्फ मैचिंग के ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे वो बंद हो गया अलहीरा वाला, ठीक है, जो इग्लू काइंड ऑफ जो बहुत बड़ी सी जगह थी, तो अब वो मेला वो बंद हो गया, तो हम कोई दूसरी जगह देख रहे थे कि शायद वहाँ मेला वगैरह इस तरह का कुछ लगा हो,
तो खाने पीने की चीजें भी होती हैं, बच्चों के झूले वगैरह भी होते हैं, और स्नैक्स जंक्स सारा कुछ मिलता है, कपड़े वगैरह भी, स्वेटर बैग्स हर चीज, और अबाया के स्टॉल्स भी होते हैं। तो मुझे अबाया लेने थे, इस वजह से देख रहे थे, हम हमारे अजमान में ही यहाँ था, लेकिन वहाँ जाना नहीं हुआ हमें। कल हम गए थे वहाँ, लेट हो गया था और वो भी बंद हो गया था, फिर पापा जॉन्स के बाद हम गए थे तो हर जगह बंद करा देते हम। तो आज टाइम था लेकिन हम बहुत थके हुए थे, हमारे सर में भी दर्द होता, खाना भी खाना था, तो हम लेट लतीफ हैं। अब हम जाएंगे किसी छुट्टी वाले दिन या फिर कल परसों, जब भी सलमान को इसी तरह का कोई मतलब फ्री टाइम मिले तब, और रात बहुत रात से पहले पहले का टाइम हो तब जाएंगे, जो कि मुश्किल है। तो चलिए बातें खत्म करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने वहां से शॉपिंग की ना तो मैं आपको वो ग्रॉस नहीं, वो शॉपिंग ऑन वीडियो में दिखाऊंगी अबाया वगैरह, और यूट्यूब पे मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगी। अरे हाँ, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह जो होती है वो भी डाल दूंगी वहां पर, दिखाऊंगी अबाया। अगर वो अबाया मिल गया स्टॉल वगैरह, वही लड़का मिल जाए ना जिसका स्टॉल था, पता नहीं अब ये नए वाले हैं जो मुझे पहचानेंगे नहीं होंगे, उनको पहचानेंगे नहीं, तो वो महंगा ना दे मुझे। वो खुद कह रहा था कि 30 धरम का मैं यहाँ दे रहा हूँ, 35 का दे रहा हूँ, और चाइना मॉल आप चले जाए वहाँ 80 इससे कम का नहीं देते। और वाकई वहाँ 80, मतलब 80 में तो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, उन्होंने 80 धरम सुना ही नहीं, 150 धरम वही चीज सेम, और ब्लैक में, और व्हाइट और ब्लैक होगा, ग्रे हो जाएगा, कुछ इस तरह, मतलब कलरफुल है यहाँ तो, इतनी वैरायटी, इतने कलर्स, ओह, ये जो जितने मैंने कलर्स पहने, जितना आप सोच सकते हैं कलर्स, सारे कलर्स मिलेंगे आपको। चलिए जी, वो वीडियो का इंतजार करते हैं जी। तो ये हमारी ग्रॉसरी है सारी की सारी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइट, यस, लूना चाय का दूध, दही मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है दही, और न्यूटेला लिया है, छोटा मिनी साइज ले रही थी मैं न्यूटेला, जितना ऐसा होता ना जो पहले पिछली ग्रॉसरी में लिया था, तो फिर मैंने कहा नहीं, सलमान ने कहा कि नहीं ये बड़ा वाला ही ले लो, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, इससे भी छोटा देख रही थी मैं, एक तो इतना मिनी सा होता है वो नहीं, बट ये भी नहीं लेना था मुझे, लेकिन और था नहीं साइज। और कार्डमम पाउडर और ब्लैक पेपर होल क्रशर है हमारे पास, तो वैसे ये ना इसको पीस के, डायरेक्ट इसको पीस के अच्छा लगता है, पाउडर उसमें वो मज़ा नहीं देता है, ऐसे ही अगर आपने किसी चीज़ पे छिड़क के खाना हो तो। और ये अचानक से बस मेरा, मुझे क्रेविंग उठ गई, तो प्रीमियम ड्राई फ्रूट मैंगो स्लाइस, बड़े अच्छे होते हैं ये फ्रूट्स के ना, और भी फ्रूट्स के खाए हुए, ऑरेंज के बस मुझे अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, बाकी पाइनएप्पल बहुत अच्छे, और डिफरेंट कीवी, और ये मैंगो, मैंगो के तो बहुत मज़े के होते हैं। ये स्लाइस 15 दिरहम्स के हैं ये, एंड इस्लामी के, और ये सॉसेजेस लिए हैं, एंड होमस लिया है, होमस डिप, ये बहुत आसान है बनाना, छोले चाहिए होते हैं इसके लिए बहुत सारे, इस तरह के 2 टिन ले लें छोले, अगर थोड़ी मकदार में लेने हो तो 1 टिन ये ले लिया, फिर तहीना अलग से मिलता है रेडीमेड, वो तिल का पेस्ट होता है, अगर आप बनाना चाहें तिल का पेस्ट तो तिल भी ले लें, छोले ले लें बॉईल, तिल ले लें, और क्या कहते हैं उसको, वो लहसुन ले लें, नमक बस, और ऑलिव ऑयल, ठीक है, तो ये बन जाता है, लेकिन इसको पीसना है बहुत 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 ज़्यादा, जो कीमा पीसा जिसमें ब्लेंडर बड़ा वाला जो चॉपर होता है उसके अंदर पिसता है, ये बहुत पिसता है, और मैं बना चुकी हूँ, मुझे मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे गाढ़ा थिक थोड़ा सा दानेदार होता है वो, क्योंकि दानेदार इसलिए बनता है क्योंकि मैं इसके जो असल तरीका है ना, छोले उबालते हैं, इतना उबालना है छोले को कि उसके छिलके भी उतर जाएं, जो कवर होता है ना छोले का एक, तो फिर उस छोले को पीसेंगे तो फिर वो स्मूथ सा बनेगा, और वो करने के लिए टाइम नहीं है, और बहुत ही पतला सा मुलायम सा सिल्की वो अच्छा लगता है सलमान को, तो अब ये ले लिया, ये ट्राई करेंगे कैसा, 20% ऑफ मिल रहा था। और ये बीन्स, रेड किडनी बीन्स, लोबिया, और ये मटर, ग्रीन बीन्स, ये भी ले ला के हैं दोनों, ये अमेरिकन अमेरिकाना के हैं, और ये मलवारी ब्रांड है इंडियन, नेचुरल प्लेन पराठा स्पेशल, ये अच्छे होते हैं, इसमें तेल नहीं होता, इस ब्रांड में तेल, पराठा या चपाती जो भी आप लोग उसमें, जिस तरह होता है ना जो एक फ्राई करते पराठे वगैरह या चपाती भी करते, वो भी पराठा ही लगता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ये वाला बेस्ट है, ये आटे का है, मैदे का नहीं है इस वजह से।
और स्प्रेडेबल सॉल्टेड बटर जुमला से सस्ते मिल जाते, लेकिन दो दफ़ा हम गए ग्रॉसरी करने से पहले पहले घर से जब भी निकलते चलो मिल जाए, लेकिन नहीं, ख़त्म हो जाते हैं हमेशा, सस्ते आधी कीमत में मिलते हैं, ठीक है, और एक्सपायरी वगैरह कुछ चक्कर नहीं है, बस सस्ते मिलते हैं, आई डोंट नो क्यों। और खाना आ गया, आ रही हूँ आ रही हूँ। और ये अनसॉल्टेड बटर टू ऑफर में थे, ऑलिव का ये बटर लिया है, ये हम पाकिस्तान में बहुत खाते थे ऑलिव का, मुझे मेरी बहन को मेरी अब्बा को बहुत पसंद था। और ये जेली लिए मिनी, ये सही रहती है, बड़ी वाली जेली तो फिर दिल नहीं करता, एक वक्त आता है ना कि बस थोड़ी सी खाए फिर दिल नहीं करता, फिर पड़ी रह जाती है, और मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि ख़राब ना हो, सलमान कहते मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, तो बाहर रखी दो दफ़ा ख़राब हो गई, तो फिर अब जो है वो छोटे छोटे मिनी लेते हैं, ये दो धर्म की, एक ये फिक की है और ये है ब्लैक चेरी, ये देखिए ब्लैक चेरी, एंड सारी ना अलग अलग, यही चार थी तो मैंने सारी ले ली एक एक, और पिछली दफ़ा सलमान ने ना दो ली थी स्ट्रॉबेरी, यस ख़त्म हो गई है जैम, और ये रेसबेरी, यस, और फ्रेश एक्स्ट्रा सलमान ने ली हैं, और ये मैंने बहुत मेरी फेवरेट है ये लेबलो, मेरे पास अभी ये है पोमिग्रेनेट, ये स्ट्रॉबेरी है और ब्लैकबेरी, सारी मैंने यूज़ किए, विविन रोज़ की मिलती है वो भी यूज़ किए मैंने, तो यस ये गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए भी बहुत अच्छी है, रोज़ रेगुलर भी आप यूज़ करेंगे ना ये, तो पूरा ये एक स्टिक एक साल चल जाएगी। और ये मैंने कस्टर्ड बनाना है क्योंकि शाबान रजब शाबान के महीने हैं, तो कुछ मीठा कुछ इस तरह की चीज़ें वगैरह बना के बांटनी है, तो डेल मोंटी का ये फ्रूट कॉकटेल लिया है जो कि मैं कस्टर्ड में यूज़ करूँगी, और ट्रैफल वगैरह जो कहते हैं जो भी कहते हैं, पिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड स्कॉच ब्राइट स्पंज क्लोथ काउंटर वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है, इस तरह का होता है ये, इसमें ना भुरभुरपन नहीं होता, इस तरह के दूसरे भी मिलते हैं नेस्टो से लिए, नेस्टो में मिलते हैं और 110 वगैरह में मिलते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बिल्कुल प्लेन, इसे भुरभुरापन नहीं आता कपड़े का। और ये हिमालयन सॉल्ट, ये यूई का ही है, हमारे पाकिस्तानी भी था बट वो महंगा था तो हम सस्ता महंगा देख कर फिर लेते हैं, ये देखिए जबल अली फ्री जोन UAE, और ये रात को ऐसे मंच वगैरह करने के लिए सलमान का आपको पता है, चीज़ फ्लेवर अब तो पता चल ही गया होगा, क्वेवर्स ठीक है जी, ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया था तो ले लिया, एंड ये भी सस्ता वैसे पहले मिलता था जुमला पे हाफ कीमत में, लेकिन अब नहीं मिलता तो इसलिए हम नेस्टो से ही ले लेते हैं। और ऑल पर्पस फ्लावर ठीक है, अलबेक का ये वाइट वाला है, वैसे तो वो ब्राउन थैले वाला जो होता है ना ग्रैंड मिल्स का वो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन ऑफर में ये था तो इसलिए ये ले लिया फॉर अजोक टल्टक और बेकिंग के आइटम के लिए। एंड टमाटर केले, इसको केले बेटे के लिए लिए हैं नोआ के लिए, इनको पूरा तो एक ही नहीं खा सकता है, हाफ केला मैश करके किसी चीज़ के साथ मैश करके, तो ये बाकी आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूँगी, रोज तो खा खा के ख़त्म नहीं होंगे, बड़े वाले साइज़ के हैं तो इनको मैं फ्रीज़र कर लूँगी, या तो आप साबुत ऐसे ही फ्रीज़ कर लें या फिर आप इसको स्लाइसेस कट करके किसी कंटेनर में प्लास्टिक के या फिर किसी थैले में या जिपर बैग में डाल के कट करके क्यूब्स ना रख लें, बिल्कुल सही रहते हैं, बिल्कुल ज़रा सा ख़राब या पत्थर बन जैसा कुछ भी नहीं होता, उसको निकालें और ब्लेंड करें, अगेन सही है, यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा, बल्कि तो चिल मज़ा आएगा शेक्स वगैरह के लिए भी और हर चीज़ के लिए। एंड पालक लिए हैं, अंडे चीकू मिल गए थे, थोड़े से सख्त हैं लेकिन इनको मैं बाहर ही रखूँगी थैले में बंद करके ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और ये दो बड़ी मिर्चें ली हैं फॉर इसके अंदर सॉसेज फिल करूँगी एंड चीज़ रैप या चीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी, और तैयार है सलमान का खाना नाश्ता सॉरी। एंड ये मैरो लिया है एक लौकी जुकीनी की एक किस्म, और ये बैंगन धनिया, बस ये थी मेरी ग्रॉसरी, खाना आ गया इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा, ओके बाय, यही वॉशिंग मशीन भी साथ ही होती है किचन में, बाय बाय, अपना अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं, अपना अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा, और इंस्टा का लिंक यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है। Bye, Allah Hafiz.